नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज के स्टूडियो में बात करेंगे बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड की तरफ से एक नई वैकेंसी का, जो कि आपके आमीन के पदों पर निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 12th पास रखी गई है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन 30/9/2020 से। तो आज के स्टूडियो में इस वैकेंसी की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी, आप चैनल जॉब लक पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह की वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन समय रहते मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, मिले चलता हूं आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ पर। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार द्वारा इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, जो कि आपके आमीन के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। बात करते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो 40 पदों पर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया गया है, जिसमें कि आपके सामान्य कैटेगरी के पदों के लिए 9 पद, आपके सामान्य पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, साथ ही महिलाओं के लिए 6 पद रखे गए हैं। देन फ्रेंड्स, बात करते हैं पिछड़ा वर्ग की, तो इसमें 3 पद पुरुषों के लिए तथा 2 पद महिलाओं के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की तो यहां पर महिलाओं के लिए 2 पद तथा पुरुषों के लिए 5 पद, साथ ही अनुसूचित जाति के लिए पुरुषों के 4 पद, महिलाओं के लिए 3 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुषों के लिए 1 पद, महिलाओं के लिए 0 पद, और साथ ही पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 1 पद यहां पर रखा गया है। साथ ही फ्रेंड्स, दृष्टिबाधित यानी दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थियों के लिए टोटल यहां पर 2 पदों की वैकेंसी है, जिसमें कि दृष्टिबाधित के लिए 1 पद तथा मूक बधिर के लिए 1 पद है, और साथ ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए पुरुषों के लिए 3 पद तथा महिलाओं के लिए 1 पद रखा गया है। उसके बाद फ्रेंड्स, स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती, इनके लिए 1 पद यहाँ पर आरक्षित रहेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 40 पदों पर आपकी होगी। उसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंट इसकी शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो फ्रेंड्स इसके लिए आप 12th पास होने चाहिए या फिर आपने इसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए, तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे इसकी आयु सीमा, आरक्षण परीक्षा की प्रक्रिया, साथ ही इसमें CBT सिलेबस ऑनलाइन फॉर्म, तो यहाँ पर लिख रखा है कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके AFCC की पुस्तक विवरण का से ये सब डिटेल्स जांच कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि आपके बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट। फ्रेंड्स फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि यहां पर किसी भी प्रकार के इस संबंध में कोई भी अपडेट नहीं है, तो फिलहाल के लिए मैं आपको ये सारी डिटेल्स नहीं दे पाऊंगा, लेकिन बहुत ही जल्द जब इसकी अपडेट आ जाएगी, जब इसकी विवरण पुस्तिका की जो PDF है उसको अपलोड कर दिया जाएगा, तब आपको एक नया वीडियो यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स इसके ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की यानी चयन की प्रक्रिया की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके 12th में आए अंकों तथा साथ ही आपके एक्सपीरियंस के अंकों दोनों को जोड़कर आपकी यहां पर मेरिट तय की जाएगी, और साथ ही जो वैकेंसी है 40 पदों की उसके 10 गुना यानी करीब 400 अभ्यर्थियों को यहां पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपके प्रत्येक ईयर के 5 अंक यहाँ पर जोड़े जाएंगे, और अधिकतम आपके यहाँ पर 25 अंक एक्सपीरियंस के जोड़े जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 6 वर्ष का यहाँ पर अनुभव है, तो आप ऐसा सोचते हैं कि 6 वर्ष गुणा 5 इक्वल टू 30 अंक होते हैं, तो यहाँ पर आपके 30 अंक नहीं जोड़े जाएंगे, अधिकतम आपके 25 अंक ही यहाँ पर एक्सपीरियंस के जोड़े जाएंगे। और उसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यदि आपके पास 1 वर्ष से कम का अनुभव है तो आपके यहाँ पर एक भी अंक नहीं जोड़ा जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म की, तो जैसे ही 30/2/2020 को इसके ऑनलाइन फॉर्म का लिंक एक्टिव होता है, आपको हमारे चैनल पर इसका वीडियो उपलब्ध हो जाएगा, यानी स्टेप बाय स्टेप विदाउट मिस्टेक आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे किस प्रकार से भरना है, इसका वीडियो आपको इसी चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स बात करते हैं आगे, तो इसके ऑनलाइन जो शुल्क का भुगतान है वो आप बैंक के चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं या फिर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। तो ये सारी बात हम करेंगे इसके ऑनलाइन फॉर्म के लिंक के एक्टिव होने के बाद। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें आपकी फ़ीस की, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी, पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 700 रुपये का शुल्क, और साथ ही साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थियों के लिए 350 रुपये का शुल्क रखा गया है। उसके बाद फ्रेंड्स
अंत में बात करते हैं इसके लिए इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो इम्पोर्टेंट डेट्स इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं 30/9/2020 से, साथ ही इसके ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि आपकी 31/10/2020 अंतिम तिथि रखी गई है। देन फ्रेंड्स, इसके शुल्क को आप 29/10/2020 तक जमा करवा सकते हैं, साथ ही यदि आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से जमा करवाते हैं तो 31/10/2020 तक जमा करवा सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, इसकी जो एग्जाम डेट है उसकी घोषणा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर तथा समाचार पत्रों के माध्यम से आपको बाद में की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से आमीन के पदों पर एक नई वैकेंसी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल जॉब लक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास में स्थित बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म का लिंक, वीडियो का लिंक समय रहते मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में, बने रहिए चैनल जॉब लक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।